अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज के इस व्लॉग को शुरू करते हैं। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी सबसे बड़ी खुशी। जी हाँ, तो टाइटल से तो आपको पता चल ही चुका होगा कि वो सबसे बड़ी खुशी क्या है। मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, लेकिन तब मेरे 4000 वॉच आवर पूरे नहीं हुए थे। YouTube चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए रिक्वायरमेंट है 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स। 1000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मेरे लास्ट व्लॉग, जब मैंने लास्ट व्लॉग बनाया तब पूरे हो चुके थे। तो 4000 वॉच आवर्स जो हैं वो मेरे हुए हैं पूरे लास्ट वीक। तो आपको मैं लेके चलती हूँ इस जर्नी में कि कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या करना है, प्रोसेस क्या है अप्लाई करने का। मोनेटाइज होने के बाद जब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, जैसे कि आपने देखा कि अभी मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके थे, 4000 वॉच आवर पूरे हो चुके थे, तो नीचे बटन आया था अप्लाई नाउ, उस पर मैंने क्लिक किया है। तो उसके बाद ये 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 है कि आपने ये पार्टनर प्रोग्राम्स टर्म जो हैं उनको अग्री करना है। इसको बेसिकली आपने पढ़ना है और देखना है कि इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, टर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं, पेमेंट कैसे मिल सकती है आपको, पेमेंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट क्या है, जो लॉज हैं वो क्या हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो मोस्टली आपको इसमें आंसर मिल जाएगा। अगर आप सारी टर्म्स को एग्री करते हैं तो आपने एग्री पे क्लिक करके तो इसको कंफर्म करना है। और यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम की टर्म्स जो है इसमें मोनेटाइजेशन के रेवेन्यू, कि आप अपने रेवेन्यू को कैसे जो है वो बना सकते हैं और कैसे आप ले सकते हैं। उसके लिए जो पेमेंट रिक्वायरमेंट है वो क्या है, पेमेंट अकाउंट की, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी जब मैं उस प्रोसेस से गुजरूंगी। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी स्टेप 1 कर दिया है, अग्री कर दिया है। अभी मैं इसको दोबारा रीलोड करूँगी पेज को। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टेप 1 डन हो चुका है। इसके बाद मैं क्लिक करूँगी स्टेप 2 साइन अप फॉर गूगल एडसेंस। तो ये एडसेंस का अकाउंट है जो आपने गूगल के साथ बनाना है। उसको वेरिफिकेशन ये करेंगे आपकी बेसिकली कि आप कहाँ से हैं, आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस। तो मैं ये सारा आज आपको बताऊंगी। यहाँ पर ये मैसेज आया है कि वेरीफाई करें कि ये आप ही हैं जो आपका चैनल है, इसको वेरिफिकेशन उन्होंने मांगी है। हालांकि मैं ऑलरेडी गूगल पे साइन इन हो चुकी थी, लेकिन दोबारा ये साइन इन करने को कर रहा है कि मैं अपने अकाउंट पे लॉगिन करके साइन इन करूँ अपने पासवर्ड के साथ। और इसके बाद उन्होंने वेरिफिकेशन जो है वो मुझे भेजी मेरे सेल फ़ोन पर। मुझे कोड आया था, वो मैंने इसमें एंटर किया। वेरिफिकेशन कोड को एंटर करने के बाद इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है यू विल बी डायरेक्टेड टू एडसेंस, कंप्लीट दिस स्टेप। ये बेसिकली आपने ये स्टेप करना है, वेरिफिकेशन करना है। ये भी आपसे यहाँ से पूछ रहा है कि आप क्या गूगल एडसेंस का पहले कोई अकाउंट बना हुआ है या नहीं। तो इसके 3 ऑप्शन हैं कि आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है और आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट नहीं। तो तीसरी ऑप्शन जो वो है कि आई डोंट नो। तो मैंने इसको आई डोंट नो क्लिक किया था क्योंकि मुझे याद नहीं था कि मैंने ये कभी बनाया था, क्योंकि मैं पहले जो है गूगल एडसेंस पे गई थी, लेकिन मुझे याद नहीं था कि मैंने बनाया था, तो इसीलिए मैंने लिख दिया था कि आई डोंट नो। इसके बाद आपने इसको कंटिन्यू करना है। इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद, कंटिन्यू को प्रेस करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आपको वेरिफिकेशन फिर आएगी कि चूज़ करें अपने अकाउंट को। तो यहाँ पर ये मैंने अपना अकाउंट चूज़ किया है। इस पर क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है आपका जो यूआरएल नंबर है, जो वेबसाइट का नंबर है आपके चैनल का, वो ऑटोमेटिकली इधर आ जाता है, आपको एंटर नहीं करना पड़ता। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गेट मी आउट ऑफ एडसेंस। तो इसमें इन्होंने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपको कस्टमाइज हेल्प चाहिए या नहीं एडसेंस की किसी भी क्वेश्चन आंसर की। तो इसके पास ऑप्शन 2 हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए या सजेशन चाहिए तो क्लिक यस, नहीं चाहिए तो क्लिक नो। तो मैंने यस पे क्लिक किया था। इसके बाद आपने अपनी कंट्री जो है वो सेलेक्ट करनी है। तो ऑब्वियसली मैं यूनाइटेड स्टेट में थी तो मैंने वो चूज़ किया। जैसे आप अपनी कंट्री को चूज़ करते हैं तो उस कंट्री के मुताबिक जो एडसेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो टर्म्स और कंडीशन है वो आ जाती हैं। आपने इसको क्लिक यस करना है कि आपने रीड किया और एक्सेप्ट किया। उसके बाद आप प्रेस करेंगे कंटिन्यू। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, एड मेक्स इट ईजी, और कैसे काम कर सकते हैं अपने सेल फ़ोन से, आप आईपैड से या टैब से या कंप्यूटर से और लैपटॉप से भी। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कि आपका अकाउंट टाइप कौन सा है, इंडिविजुअल है, बिजनेस है, आपका नेम और एड्रेस। तो यहाँ पर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन डालूँगी और इसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी वो आएगी रीडायरेक्ट टू योर होस्ट। इसके बाद आपका ये फाइनल और सेकेंड स्टेप जो है वो फाइनल हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेप 2 इन प्रोग्रेस है। इस स्टेप को करने के बाद आपको वेट करना होगा कि जब तक स्टेप 2 जो है वो डन नहीं हो जाता। जैसे ही स्टेप 2 डन होगा ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जो आपको शो करेगा कि स्टेप 3 पे जो है वो इन प्रोग्रेस स्टार्ट हो चुका है। स्टेप 2 को कंप्लीट होने में लगे थे तकरीबन 7 से 8 घंटे, तो वो ऑटोमेटिकली डन हो गया था। और फिर स्टेप 3 पे आ गया था रिव्यू में। तो क्योंकि मैंने जब अपने चैनल को मोनेटाइज होने के लिए भेजा था तो रिव्यू में तकरीबन 2 दिन लग गए थे, क्योंकि यहाँ पर वीकेंड स्टार्ट हो चुका था। तो वीकेंड पर मुझे कोई ईमेल नहीं आई थी, कुछ भी नहीं हुआ था, तो मैं वेट कर रही थी। तो जी हाँ, यहाँ पर 2 दिन वेट करने के बाद संडे नाइट को मुझे ईमेल आई थी। तो मैंने ईमेल चेक की और ईमेल वही थी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज के लिए अप्रूव हो चुका है। उस ईमेल को पढ़ने के बाद जो है मैं आई थी कंप्यूटर पर और चेक कर रही थी अपने YouTube स्टूडियो को कि मोनेटाइजेशन में भी वो क्या शो कर रहे हैं और उसमें क्या डिफरेंस आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैनल मोनेटाइजेशन में पहले शो करता था कि आपके कितने आवर्स रह गए हैं और कितने आपके सब्सक्राइबर रह गए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर ये ओवरव्यू शो कर रहा है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस पर वो डिटेल में देता है यूट्यूब। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपको जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने यहाँ पे आना है अपनी वीडियोस पर और इधर यहाँ पर आकर अपने मोनेटाइजेशन ऑन करनी है। अपनी सारी वीडियोस पर जितनी भी वीडियोस आपने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं उन पे जाके क्लिक करें, क्योंकि वो ऑफ होती हैं तो आपने ऑन करना है। इंडिविजुअली आपको ये काम करना पड़ेगा अपनी वीडियोज़ पर भी, और लाइव स्ट्रीम जो है आपने उन पर क्लिक करके उनको भी ऑन करना है मोनेटाइजेशन के लिए। तो ये एक लास्ट स्टेप है जो आपने करना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की जो मैंने वीडियो बनाई है अपने स्टेप 1 से लेके लास्ट स्टेप तक मोनेटाइजेशन के लिए कि आप कैसे अप्लाई करना है, कौन से स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है और आपने आगे क्या करना है। वेट टाइम जो है वो हर एक का एक अपना है, इंडिविजुअली है। किसी का थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, किसी का कम लगता है। डिपेंड करता है कि यूट्यूब कितना टाइम ले रहा है आपकी वेरिफिकेशन के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। मैं उन सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मेरी हेल्प की इस जर्नी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।